सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर का नाम है और इसका आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 9। इसमें हमने प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं कि हम कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं उससे फेमिलियर हैं, पहले हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जो टिश्यूज हैं एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, कि ये बेसिक डेफिनेशन है टिश्यूज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज के, एनिमल टिश्यूज की कितनी टाइप्स हैं और वो बॉडी में क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स देर आर फोर मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज, जिनमें एपिथेलियल टिश्यूज आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, मसल्स टिश्यू आते हैं और नर्वस टिश्यूज आते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है एपिथेलियल की, इसके साथ है कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और बोन टिश्यू भी दिखाए हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे सबसे पहले। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी और लाइंस बनाती है ऑर्गन्स की और कैविटीज की, मतलब जो हमारी स्किन है ये और जो हमारे ऑर्गन्स की आउटसाइड जो कवरिंग होती है ये वो बनाती है। जो सेल्स हैं इन द टिश्यूज आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो टिश्यूज हैं इनकी काफी टाइप्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स ऑफ द सेल्स एज वेल एज नंबर ऑफ देयर लेयर्स। तो जो इसकी डिफरेंट हमारे पास शेप्स और सेल्स के नंबर की वजह से जो इसकी टाइप्स हैं वो हैं स्क्वेमस एपिथीलियम, क्यूबाइडल एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे कि जैसे इसका नाम हमें बता रहा है कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका फंक्शन क्या होगा, कनेक्ट करना, चीजों को जोड़ना। तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है बाइंड को, बाइंडिंग को, डिफरेंट टिश्यूज की बाइंडिंग को। और जो अनलाइक एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सेल्स करता है जो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कार्टिलेज और बोन टिश्यू, ये इसके एग्जांपल हैं। जो एडिपोज टिश्यू है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। और ये क्या, एडिपोज टिश्यू जो है ये बॉडी को सपोर्ट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो है मसल्स टिश्यू की। मसल्स टिश्यू का बेसिक काम क्या है, ये मसल्स बॉडी में क्या करते हैं कि ये कंसिस्ट करते हैं बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स के, और इसलिए हम इसको कहते हैं मसल फाइबर्स कहते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है किसी भी एनिमल सेल का, इसकी जो अबिलिटी है वो कंट्रैक्ट करना है। और थ्री टाइप्स के हमारे पास है मसल्स टिश्यू, एक स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स ये इनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और जो देयर सेल्स आर स्ट्रिएटेड एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, काफी ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या करते हैं, ये लाइनिंग बनाते हैं जैसे एलिमेंट्री कनाल की, यूरिनरी ब्लैडर की, ब्लड वेसल्स की, और स्मूथ होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं और इनका सिंगल न्यूक्लियस होता है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबस्ट्रेट्स की मूवमेंट के लिए। कार्डियक मसल्स, कार्डियक वॉल हमें ये बता रहा है कि ये दिल के जो वॉल है उसमें, दिल की जो वॉल है उसमें प्रेजेंट होते हैं, दिल से रिलेटेड हैं। इस सेल जो है ये स्ट्रेटेड होते हैं इसके, बट देर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। और नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, एनिमल जो है वो डिपेंड करते हैं इसकी एबिलिटी के लिए टू रिस्पॉन्ड, अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये एक स्टिमुलाय पे जो कि इसका इन्वायरमेंट इसको देता है उस पर डिपेंड करते हैं। ये जो एबिलिटी है ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो नर्वस टिश्यू हैं ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं और पूरी बॉडी में और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो टिश्यू है इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स से मिलके बनते हैं, और इनका जो स्पेशल काम है वो ये है कंडक्ट करना मैसेजेस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जो नर्वस टिश्यू हैं ये ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमने शुरू करने हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट्स जो हैं ये सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज फॉर विद द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इनकी अगर मेजर कैटेगरीज हम देखें तो हमारे पास दो आती हैं, एक सिंपल टिश्यूज हैं, दूसरे कंपाउंड टिश्यू हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, इसीलिए इनको हम सिंपल कहते हैं। इसकी आगे से दो टाइप है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं और दूसरे परमानेंट टिश्यूज हैं। ये इसकी पोजीशंस हैं। मेरिस्टेमेटिक की ये किधर है, मेरिस्टेमेटिक हमेशा उस जगह पे होंगे जो ग्रोइंग पार्ट्स होंगे, और जो परमानेंट है ये जो वुड है उस वहां पे जो बड़े हो चुके उसके पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब ये ग्रोथ में ज्यादा काम आते हैं, टिप्स पे पाए जाते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होता है और स्मॉल होते हैं, और इनका वैक्यूल नहीं होता। दे डू नॉट हैव इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होती इनमें। टू मेन टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक की, एपिकल मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम्स। परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये ओरिजिनेट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। उन इन सेल्स में कोई एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, और ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में, ग्राउंड टिश्यू में और सपोर्ट टिश्यूज में। सपोर्ट टिश्यू जो हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो में, कोलन काइमा टिश्यूज और स्क्लेरन काइमा टिश्यूज। कंपाउंड टिश्यूज क्या होते हैं, ये प्लांट टिश्यू जो हैं ये कंपोज्ड होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से, इसीलिए हम इनको कहते हैं कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज जो हैं ये पाए जाते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में, और ये एग्जाम्पल है किसकी, कंप्लेक्स टिश्यूज की। जाइलम टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिक्विड मटेरियल के फ्लो के लिए प्लांट्स के अंदर। जो रूट से लिक्विड मटेरियल को जब सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और अपर पार्ट्स तक लेके जाते हैं। जो फ्लोएम टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल होता है और जो ऑर्गेनिक मैटर है उस डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर उसकी कंडक्शन के लिए, ये क्या करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उन ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको पहुंचाता है। ये जाइलम और फ्लोएम की हमारे पास डायग्राम है।